रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का सीमा को लेकर अपने पड़ोसी देशों से विवाद बना हुआ है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं लगातार यहां चीन आक्रामक रूप लेता हुआ। पहले भारत सीमा पर जो तनाव जारी है उसी के चलते अब ये खबर आ रही है कि भूटान के साथ भी सीमा विवाद सामने आया है। चीन के मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब चीन और भूटान के बीच ये जो सीमा विवाद है ये आखिर क्या है, क्यों चीन अपने पड़ोसी देशों से इन सीमाओं को लेकर विवाद में बना हुआ है? देखिए, अरुणाचल और इसके भूटान के सीमा पर जो बीच में है एक जगह है जहां उनकी सेंचुरी है, अभयारण्य भूटान का। अब चीन ये कहता है कि ये उसका हिस्सा है। चीन ने अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें चीनी प्रतिनिधि ने ये कहा कि ये उसका हिस्सा है। इसको मान्य नहीं किया गया, लेकिन चीन ने फिर भी उसका चीनी प्रतिनिधि जाना रहा कि नहीं उसी का हिस्सा है और इसको फुटनोट में लिखना चाहिए। फुटनोट में लिखा गया। उसके बाद चीन ने ये भी कहने की कोशिश की कि इस काउंसिल के रिपोर्ट में ये लिखा जाए कि चीन ने इस पे इतराज इस मुद्दे पे किया। काउंसिल ने कहा हम इस पे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे चीन ने इस पे इतराज किया बस। जी, तो चीन का और रही बात ये कि चीन का अब सीमा विवाद देखिए हर एक से हो रहा है, भारत से ही नहीं। चीन ने नेपाल में भी काफी एरिया कब्जा कर लिया है, एक नदी की धारा भी मोड़ ली, एक गाँव कब्जा कर लिया। उसी के चलते ओली की सरकार खतरे में है। इसके साथ ही साथ अभी ताजा समाचार यह है कि रूस के एक बहुत बड़े शहर व्लादिवोस्तोक को चीन ने अपना बताया है। चीन का कहना है कि 160 साल पहले चीनी राजा को हरा करके रूस ने वो हथियार लिया था, तो वह वापस किया जाए। कजाकिस्तान के साथ भी चीन का विवाद है। चीन का विवाद अब सुनने में आया कि पाकिस्तान में भी गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ एरिया में लोगों ने अपोज करना शुरू किया, वहां भी चीन की प्रॉब्लम है और चीन की समस्या जो है साउथ चीन में है ही। चीन अब लगातार, मुझे लग रहा है कि सिर्फ शी जिनपिंग अपने कुर्सी बचाने के लिए ये अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जो मिडिल किंगडम था कई सौ साल पहले वहां ले आएंगे आपको, सारी दुनिया में चीन राज करेगा। और ये एक तरह से एक तानाशाह को मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। जी जितेंद्र जी, ये जो बयान चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया उसमें ये साफ तौर पर यहाँ कहा गया है कि इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष की दखल नहीं चाहता है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तीसरा पक्ष किसकी ओर इशारा है? नहीं, ये इसलिए इशारा कर रहा है कि डोकलाम में भारत, डोकलाम जो कि वाकई भूटान का हिस्सा है, डोकलाम का जब विवाद हुआ था तो ट्राई जंक्शन पे चूंकि भारत के पास था तो भारत ने यहाँ पे अपना स्टैंड कायम किया था, इसलिए वहां से चीन को हटना पड़ेगा। तो अभी चीन ये प्रीएम्प्ट करना चाह रहा है कि भारत इसमें कोई रोल न निभाए, ये चीन की परोक्ष रूप से धमकी। जी शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सभी बातचीत के लिए।